टोन में समाई है संपूर्ण सृष्टि, जो इसे समझ गया सफल है उसका जीवन। हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं के भी इष्ट भोलेनाथ का मूल मंत्र ओम, जिस कारण इस धर्म से संबंध रखने वाला हर व्यक्ति इसका जाप करता है। परंतु आज भी ऐसे कई लोग होंगे जो इसका निरंतर जाप तो करते होंगे, लेकिन इसके अर्थ से आज भी अनजान होंगे। आज हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको ओम शब्द का अर्थ बताएंगे, साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी अन्य बातें। कहा जाता है ओंकार दिव्य नाद है। बता दें, नाद एक संगीत उपकरण है। कहा जाता है यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि परम संगीत है। संपूर्ण सृष्टि के सभी स्वर इस एक शब्द ओम में पिरोए हैं। यहाँ तक कि पेड़ों पर बैठे पखेरुओं का कलरव, उच्च हिम शिखरों की शांति, पहाड़ों से उतरते झरनों की मरमर, वृक्षों से गुजरती हवाओं की सरसर, महासागरों में लहरों का तर्जन, आकाश में बादलों का गर्जन, सभी का सार है ओंकार। ओंकार शब्द बीज है। कहा जाता है समस्त शब्द इसी से जन्मे हैं, इसी से उन्हें जीवन मिलता है और अंत समय में इसी में मिल जाना है। कुछ मान्यताओं की माने तो वेद ही नहीं, बाइबल भी ओम से ही उपजी है। गीता तथा गायत्री भी इसी से प्रकट हुई है। इसीलिए वेद कहते हैं कि ओम को जिन्होंने जान लिया, उनके लिए इसके बाद जीवन में कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रहता। प्रचलित किंवदंतियों के मुताबिक बाइबल भी इसी सच्चाई को दोहराती है कि प्रारंभ में ईश्वर था और ईश्वर शब्द के साथ, और फिर उसी शब्द से सब प्रकट हुआ। सृष्टि का बीज है ओंकार। सृष्टि की सभी ऊर्जाओं का परम स्रोत है यह ओंकार। अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा के विभिन्न स्तर, आयाम और ऊर्जा धाराएं ओंकार से ही प्रवाहित हुई हैं। यही कारण है कि उपनिषद में वर्णन मिलता है ओंकार से सब पैदा हुआ तथा ओंकार में सभी का जीवन है और अंत में सब कुछ ओंकार में ही विलीन होगा। सृष्टि के सूक्ष्मतम से महाविराट होने तक के सभी रहस्य इस ओंकार में ही समाये हैं। ध्यान बीज है ओंकार कहा जाता है। जो भी इसका ध्यान करता है उसके सभी रहस्य उजागर होते हैं, शक्ति के स्रोत उफनते हैं। यह ओंकार में है, तुम्हें है, सब में है, परंतु अभी यह बंधन में है और जब तक यह बंधन में रहेगा मनुष्य के भीतर रुदन का हाहाकार मचा रहेगा तथा वेदनाएं हमें सालती रहेंगी। ओंकार के बंधन मुक्त होते ही रुदन की चीत्कार संगीत के उल्लास में बदल जाती है। बंधन से मुक्ति केवल ओंकार के ध्यान से ही संभव है।